हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो भाई आज का व्लॉग डीजे का व्लॉग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने इंटर में देखा होगा, क्या खतरनाक वाइब्रेशन निकल रहा था। आप लोग देखेंगे चाय हुआ की हुआ सब एकदम हिल रहा था भाई, पूरा घर ही हिल रहा था, इतना खतरनाक बज रहा था। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा किस मॉसफेट से बजा रहे थे, जो कि इंटर में मॉसफेट भी लगा दिया हूँ जो कि वो NX का है। पूरा जानकारी आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ भाई, मिक्सर जो कि है, मिक्सर सबसे अच्छा मिक्सर है भाई, जो कि डीजे में इस समय यही मिक्सर चल रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने, फुल A to Z आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, आप लोग भी ऐसा सेटअप बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं भाई। आप लोग देख सकते हैं ये मॉसफेट रखा जा रहा है, जो कि इसमें NX IDO का है, 6000 वाट, जो कि बहुत सेफ्टी से हमारे अनिल भाई रखते हैं, जो कि काफ़ी पैसा खर्च कर दिए हैं डीजे के पीछे, जो कि दो दो सेटअप चलाते हैं भाई। देख सकते हैं प्रोटोन का है ये 6000 वाट, NX कंपनी रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी मशीन है भाई। 6000 वाट में काफ़ी अच्छा खासा बजा देती है, जो कि आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी मशीन है। लेकिन इसका प्राइस लगभग वही 40 के करीब है। बहुत तगड़ा मशीन है, जहाँ जैसा मिल जाए भाई, सिचुएशन रहता है कहाँ कितना ले लेते हैं भाई। आप लोग देख सकते हैं सब में स्पीकर लगा है 600 वाट। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने नाम भी कमेंट कर दिया था, वही स्पीकर है भाई, काफ़ी अच्छा बजता है, लेकिन ज़्यादा रुपए में आता है भाई। आप लोग देख सकते हैं भाई, काफ़ी अच्छा सिस्टम है और काफ़ी अच्छा बजता भी है भाई। वाइब्रेशन तो भाई एक नंबर का निकल रहा था। इनका बॉक्स पुराना था, फिर भी यार वाइब्रेशन समझ रहे हैं ना, एकदम एक लेवल का वो निकल रहा था। और ये देख सकते हैं, ये पुराना है, जो कि ये भी चलाए हुए हैं, इसमें भी वही स्पीकर लगा है 600 वाट, और प्लाई में बना है भाई मेन चीज़। और अभी तो भाई सब लोग MDF में बनवाते हैं, क्योंकि MDF बेटर रहता है, प्लाई भी बेटर रहता है, जो भाई जिससे बनवा ले। और हम लोग तो भाई MDF में बनवाते हैं। ये रहा LRDO का ट्यूटर 450, काफ़ी अच्छा ट्यूटर होता है, आप लोग को मिलता है तो आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये होता है और काफ़ी अच्छा उसका ट्रेवल निकलता है भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं एक मॉसफेट इसमें पड़ा है 6000 वाट, जो कि आपको दिखाया पहले, वही इसमें भी है। इसमें वो स्टूडियो मास्टर की मिक्सर है, जो कि अभी लगेगी, आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छा मिक्सर है भाई। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 KV का इंजन है, जो कि स्वराज कंपनी का है, जो कि हमारे इधर स्वराज और प्रकाश चलता है भाई। जितने बंदे हैं सबके पास स्वराज मिलेगा या तो प्रकाश मिलेगा, और एक हम ही हैं जो हमारे पास एक अतुल शक्ति है और एक स्वराज है। और हाँ भाई, जो हमारा अतुल शक्ति है वो पुराने मॉडल का है और काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करता है। जान लीजिए उस पर हम 6 डबल 2 MOSFET और 2 500 वाट का बजाते हैं भाई, हिलता नहीं है। फिलहाल मेरे पास एक जनरेटर और आ गया है, जो कि ये प्रकाश का है, 7.5 KV। आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग को दिखा दूंगा। और हाँ भाई, आप लोग जनरेटर का भी सेकंड हैंड वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम जनरेटर का वीडियो आप लोग को शूट करके डाल सकते हैं। आप लोग खरीदना चाहते हैं तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम डाल देंगे। ये रहे मिक्सर भाई, जो कि काफ़ी अच्छा मिक्सर है, ये आर्केस्ट्रा हुआ, रामायण हुआ, उसके लिए परफेक्ट है। इसमें इक्वलाइजर दिया है, जो कि आप लोग जानते हैं बेस काटने के लिए होता है, ट्रेवल बढ़ाने के लिए होता है। और हम जैसे मिक्सर इसको पा जाए, मिक्सर को काफ़ी अच्छा बेस निकाल देंगे भाई। ये रही 500 वाट, जिसमें वो भाई मिक्सर लगा के टेस्ट कर रहे थे। और यार हमारे अनिल भाई का नंबर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रही भाई मिक्सर डीजे वाली, स्टूडियो मास्टर की 825 DJX 825, काफ़ी अच्छा मिक्सर है। आप लोगों ने देखा होगा डीजे दबंग टांडा भी यही मिक्सर यूज़ कर रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा मिक्सर है भाई। लेकिन इसको बजाने का तरीका भाई आना चाहिए, मिक्सर से नहीं मैटर करता, बजाने का तरीका मैटर करता है। और जो कि काफ़ी अच्छा बजाते हैं हमारे दबंग भाई, और दो चार जन हैं हमारे अच्छे अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छा बजाते हैं। फिलहाल मैं तो भाई 12 चैनल वाला यूज करता हूँ, रामायण कथा भागवत वाला, मैं उससे काम भर कर निकाल लेता हूँ, अपना स्क्रीन हिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं अब और हाँ भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारा लाइक और ढेर सारा शेयर करिएगा। और चलिए भाई, आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा और साउंड टेस्टिंग, जो कि आप लोग को देखकर मज़ा ही आ जाएगा। इस बार तो मोबाइलिया ऐसे ऐसे हिल रहा था, तो लाइक करें। तो भाई थोड़ा मैं भोजपुरी में बोल दिया हूँ, तो मज़ा लेने के लिए कमेंट मत करिएगा। एक्चुअली हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा निकल जाता है भोजपुरी। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं साउंड टेस्ट।
आप लोग देख सकते हैं पूरा रूम भरा हुआ है, जो कि लाइट वाला भी काम करते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा लाइट के लिए। और मिलते हैं एक और सेकंड हैंड वीडियो में, जो कि डीजे का रहेगा वीडियो, सेकंड हैंड।